नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीटीवी बिहार न्यूज। जहानाबाद जिले में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम हिमांशु कुमार राय एवं पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने शुक्रवार को सभा कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में 7 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1207 एवं सहायक मतदान केंद्र की संख्या 28 होगी। डीएम हिमांशु कुमार राय संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों के लिए ब्लॉक और जिला परिषद के लिए अनुमंडल में नामांकन होगा। एसपी दीपक रंजन ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है। चुनाव के दौरान जिला पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जवान आपसी सामंजस्य बनाकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 24 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पंचायत चुनाव के लिए, और पूरी जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में लग गया है, और प्रत्येक बूथ पर जो आवश्यक सुविधाएं हैं आम मतदाता के लिए वो मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी वृद्ध जन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, और प्रत्येक ब्लॉक में हम लोग एक एक जो है आदर्श बूथ का निर्माण करने जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, और कोई भी असामाजिक तत्व जो भी बाधा उत्पन्न कर सकता है फ्री और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में, उसके लिए हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जिस तरह से भी उनको रोका जा सकता है पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। आम मतदाता से मेरा अनुरोध होगा कि स्वतंत्र होकर के इस चुनाव के पर्व में शामिल हों और पूरी तरह से अपना भागीदारी इसमें निभाएं। किसी भी प्रत्याशी को अनुमति नहीं दी जाएगी किसी प्रकार से कि दूसरे प्रत्याशी के इसमें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में इस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न कर सके। ये मैं स्पष्ट संकेत देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ सभी असामाजिक तत्वों को कि सजग रहें, और इस तरह से कोई भी हम लोग को मजबूर ना करें कि कोई भी इस तरह के दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम लोग बाध्य हों जिससे उन लोगों को परेशानी उत्पन्न हो। अगर कोई भी असामाजिक तत्व परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग बख्शेंगे नहीं उनको, ये ध्यान से वो लोग सुन। दूसरी बात, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो किस तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से इसमें भागीदार हो सकता है, इसकी जिला प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था की जाए करेगा, और पुलिस विभाग भी इसमें पूरी तरह से मुस्तैद है, और हम लोग भी तैयार हैं। धन्यवाद। आसन्न पंचायत चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने सभी थानाध्यक्षों को, सीआई को, एसडीपीओ को ये विशेष निर्देश दिया हुआ है कि ऐसे सभी कांड जो पंचायत चुनाव से संबंधित हैं और जो अभी लंबित हैं उनका त्वरित निष्पादन किया जाए, ऐसे सभी फरार अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए, जो भी लंबित वारंट और कुर्की उनका त्वरित निष्पादन किया जाए, निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, अधिक से अधिक संख्या में ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जितनी भी कार्रवाई हो सकती है इसमें प्रमुख रूप से 107 शामिल है, और साथ ही साथ सीसीए एक्ट के तहत अगर ऐसे तत्व हैं जिनको जिला बदर करने की आवश्यकता है तो उनके लिए भी उचित माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ऐसे तत्वों पर निगरानी रखने के लिए थानों में गुंडा परेड जो है आयोजित करने के लिए, और पेट्रोलिंग और गश्ती को और मजबूत करने के लिए, सूचना तंत्र को और मजबूत करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। ऐसे सभी तत्वों के ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे जो इस पंचायत चुनाव को या इसके माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। सभी थानाध्यक्षों को और सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को एक विशेष निर्देश दिया गया है कि आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर शराबबंदी की जो हमारी नीति है उसको और कड़ाई से लागू करेंगे, और इस संबंध में डेली उनकी रेड छापेमारी और आसूचना संकलन किया जाना है। साथ ही साथ जो हमारे आर्म्स वेरिफिकेशन है उसको भी किया जाना है थाना स्तर से, उसको भी निर्देशित हम लोगों ने कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग बिल्कुल सजग हैं, और इस संबंध में हम लोगों का जो विशेष अभियान चलाया जाना है वो प्रतिदिन चलेगा, और जितने भी ऐसे तत्व हैं आपराधिक प्रवृत्ति के और असामाजिक तत्व जो हैं उनको खिलाफ और उनके विरुद्ध जो हमारा समकालीन अभियान है वो अब डेली चलेगा, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ये सब पंचायत चुनाव एक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया जा सके। अभी आज हम लोग उसका डेली प्रतिवेदन ले रहे हैं, और 400 के आसपास अभी 107 की कार्रवाई की गई है, और ये डेली हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं,
प्रतिदिन के लेवल पे उसको जो हम लोग मॉनिटर करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या किसी भी प्रकार की कोताही किसी के द्वारा ना बरती जाए और पूरी लोग पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सीसीए के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा, ऐसे एक दो तत्वों को चिन्हित किया गया है जो सीसीए के प्रस्ताव भेजने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।